जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड देश की स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। वैसे गोवा में भी इसी तरह का कानून बहुत लंबे समय से अमल में है, ये कह सकते हैं कि 154 साल पहले से, परंतु दोनों में थोड़ा बहुत अंतर भी है। उत्तराखंड का यूसीसी जो कानून है वह वहाँ के जनजाति समाज के लोगों पर अमल में नहीं होगा। वहाँ पर 5 जनजातियाँ हैं जिनमें जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, थारू और बनराजी या जिन्हें बनरावत भी कहते हैं। इनको 1967 में जनजाति घोषित किया गया था। तो जी हाँ, इस बार मैं बात करूँगा उत्तराखंड के इस यूसीसी कानून की, इसके क्या प्रावधान हैं। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को यानी हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तराखंड का यह जो कानून है यूसीसी, अब देश के लिए एक उदाहरण बनने जा रहा है। अब वहां विवाह व तलाक, गोद लेना आदि मामलों में सभी के लिए एक समान कानून होगा। प्रदेश में यानी उत्तराखंड में बहुविवाह पर रोक लगेगी। पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की तरह विवाह और विवाह विच्छेद यानी तलाक का भी पंजीकरण कराया जा सकेगा। ये पंजीकरण वेब पोर्टल के माध्यम से किए जा सकेंगे, यानी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इसमें प्रयोग होगा। कोई पहला विवाह छिपाकर दूसरा विवाह करेगा तो पंजीकरण के जरिए उसका पता लगाया जा सकेगा। ये कह सकते हैं कि इससे महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। यह कह सकते हैं कि यह कानून मुस्लिम समाज जो कि शरीयत के रट रगाए बैठता है, उसे बहु विवाह और 3 तलाक जैसे प्रावधानों से रोकेगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि इससे बहुत ज़्यादा संतानें पैदा नहीं की जा सकेंगी, ताकि देश की और या उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज न हो सके। शरिया कानून की रट लगाए लगने वाले लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्त जैसे कई देश हैं जहां समान नागरिक संहिता लागू है। इस कानून में लिव इन रिलेशन संबंधों को भी परिभाषित किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, ताकि ऐसे जोड़ों को कहीं रहने के लिए किराए पर मकान लेने या अन्य पहचान की आवश्यकताओं पर कोई कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े। वयस्क पुरुष 21 वर्ष या 18 साल की महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती हैं, परंतु इसके लिए उन्हें पंजीकरण कराना होगा। इससे विवाह से संबंधित अपराध को रोका जा सके। तक 21 वर्ष से कम की उम्र के लड़का और लड़की दोनों को इस रजिस्ट्रेशन की जानकारी दोनों के माता पिता को देनी अनिवार्य होगी। पंजीकरण नहीं करने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर पैदा हुए बच्चे को वही अधिकार मिलेंगे जो शादी से पैदा संतान को मिलते हैं। इस मामले में एक बात और बतानी आवश्यक है कि यह जो प्रावधान लिया गया है, यह वास्तव में पूरे हिमालय क्षेत्र और विशेष तौर पर उत्तराखंड के खस फैमिली लॉ प्राचीन ये कानून था, उसके एक प्रावधान लिया गया है। उसका एक उदाहरण काफ़ी है। उत्तराखंड में और खासतौर पर पूरे हिमालय के खस समाज में यह प्रावधान था कि जब किसी महिला की के पति की मृत्यु हो जाती थी और बच्चे छोटे होते थे तो, या वो अकेली भी होती थी, तो वह अपने जीवन यापन या सुरक्षा के लिए अपने परिवार या जातीय समूह से किसी भी व्यक्ति को अपने पति के तौर पर रख सकती थी। उससे उत्पन्न संतान को उसके मृत पति के पुत्र के नाम पर माना जाता था और उसकी पैतृक संपत्ति में उन बच्चों को भी अधिकार मिलता था, हिस्सा मिलता था। और वह महिला जब चाहती थी उस जो व्यक्ति को रखती थी उसे जाने को कह सकती थी। यह कह सकते हैं कि यह भी एक लिव इन रिलेशनशिप का ही एक स्वरूप था और जिसे समाज की भी मंजूरी मिली थी, और उनसे जो संतान पैदा होती थी उसको भी मालिकाना हक मिलता था। और जाहिर है कि ये जो कानून अब बनाया है उसमें यह जो प्रावधान किया गया है यह उसी
प्राचीन खस फैमिली लॉ से लिया गया है और यह प्रावधान अब पूरे भारत के सामाजिक परिदृश्य को बदल देगा, क्योंकि देर सवेर पूरे भारत में इसे लागू होना ही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य हैं जो, और असम, ये सभी शीघ्र ही इस कानून को पर अमल करना चाहते हैं। और यह भी बता दूं कि जो उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बिठाई थी, उसको खास फैमिली लॉ पढ़ने का सुझाव मैंने ही दिया था। दिल्ली में इस कमेटी की एक मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी और उसमें लोगों से सुझाव मांगे गए थे। जब कमेटी ने तब तक के कार्य का जब ब्यौरा रखा तो उसमें मैंने देखा था कि कमेटी कहीं भी खस फैमिली लॉ का उल्लेख नहीं कर रही थी। वह जरूर बता रही थी कि अंग्रेजों के ज़माने में या मुगल काल में या क्या कानून था या भारत के दूसरे हिस्सों में क्या था, लेकिन जिस राज्य में यानी उत्तराखंड में यह कानून लागू होने की बात हो रही थी वहाँ के प्राचीन कानून को पढ़ा ही नहीं गया था। जबकि इस मामले में 1929 में एलडी पांडे जी ने एक थीसिस की लिखी थी, यानी उस पर उन्होंने पीएचडी की थी और बाद में इसका एक इस किताब के रूप में यह सामने आई थी। उस किताब में इसका विवरण है, पूरा विस्तार से उसमें लिखा गया है। और वैसे इस मामले में कई वीडियो मेरी इस हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में है, आप उसको देख सकते हैं। तो यह अच्छी बात है कि हिमालय का एक कानून यानी प्राचीन खस फैमिली लॉ से यह जो संपत्ति उन बच्चों को भी, चाहे वो किसी भी तरह के संबंध से पैदा हुए हैं, उनको भी मालिकाना हक यानी संपत्तियों का अधिकार उनको भी देने की बात है। यह बहुत अच्छा शुभ संकेत है। तो अब बात करते हैं फिर उत्तराखंड के यूसीसी कानून के प्रावधानों की। अब सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु भी तय की गई है। युवक की आयु 21 और युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच ही संपन्न हो सकता है, यानी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी। अब तलाक के बाद दोबारा उसी पुरुष से या अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए महिला को किसी प्रकार की शर्तों में नहीं बांधा जा सकेगा, यानी हलाला पर पाबंदी लगेगी। ऐसा करने पर 3 वर्ष की कैद या 1,00,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। विवाह के बाद दंपतियों में से कोई भी बिना दूसरे की सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार मिलेगा। अब विवाह का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करना होगा। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम तथा जिला और राज्य स्तर पर इनका पंजीकरण किया जा सकेगा। इसके लिए एक वेब पोर्टल भी होगा। विवाह के धार्मिक और सामाजिक विधि विधान पहले जैसे रहेंगे, अर्थात वे लोग जिस पद्धति से भी विवाह करते आ रहे हैं, जैसे कि सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, होली, यूनियन या आनंद कारज आदि जो भी परंपराएं हैं वे उनमें प्रचलित हैं, जिस समाज में वे उसी तरह से विवाह करते रहेंगे। तलाक भी अब अदालतों से ही हो सकेगा, यानी प्रचलित परंपराओं के अनुसार अब तलाक नहीं होगा। प्रदेश सरकार का दावा है कि इसे मुस्लिम समाज की महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी और मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। पुश्तैनी परिसंपत्तियों के अधिकार पर भी कानून में प्रावधान है। प्रभावी एवं प्रचलित व्यवस्थाओं में संपत्ति में उत्तराधिकार या इच्छा पत्र यानी वसीयत के अधिकारों में व्यापक विसंगतियां या भिन्नता रही हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो अधिकांश प्रावधानों में मृतक की संपत्ति में माता पिता, पत्नी और बच्चों को तो अधिकार है, परंतु पिता को अधिकार नहीं दिया गया है। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति की संतानों में लिंग के आधार पर भी असमानता रही है। विवाहित और अविवाहित पुत्री को भी अलग अलग अधिकार हैं। इस कानून में माता पिता के लिए भी मृतक की संपत्ति में एक अंश निर्धारित किया गया है। यह माना जा रहा है कि फौजी लोगों कि जब मृत्यु हो जाती है तो आमतौर पर उनकी पत्नियां अपने पति से के मिले धन में से माता पिता को कुछ भी नहीं देती रही हैं, या कुछ मामले ऐसे होते रहे हैं। इसी तरह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम व शरीयत अधिनियम में उत्तराधिकार की भिन्नता एवं पुत्री के अधिकार की विसंगतियों को दूर करते हुए
एक व्यक्ति की समस्त संतानों को यानी सभी संतानों को समान अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। किसी भी रिश्ते से उत्पन्न होने वाले बच्चे को परिभाषित कर दिया गया है। इस तरह से उत्पन्न बच्चों को संपत्ति में समान रूप से अधिकार दिया गया है। अन्य संतानों की भांति गर्भस्थ शिशु को भी समान अधिकार दिए गए हैं। हत्यारे पुत्र को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने की व्यवस्था की गई है। अब कोई व्यक्ति उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के लिए हत्या करने जैसे जघन्य एवं घिनौने अपराध से भी डरेगा। वसीयत भी स्वेच्छा से की जा सकेगी और अपने जीवन काल में वसीयत को बदला भी जा सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कानून को अब अन्य राज्य भी अपने यहाँ अमल में लाएंगे। इससे पूरा भारत का परिदृश्य बदल जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी तरह के संबंधों से उत्पन्न पुत्र को या पुत्री को यानी संतानों को जो पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की बात की गई है वह खास फैमिली लॉ से लिया गया है। और हमें गर्व है कि हिमालय के लोगों ने सदियों पहले उन नियमों को बना लिया था जिसे आज का अत्याधुनिक भारत स्वीकार कर रहा है। हिमालय के लोगों की महानता थी कि उन्होंने पति पत्नी के संबंध हो या शादी ब्याह के संबंध हो, तलाक के संबंध हो, उनके कानून या उन जो भी उनके नियम थे, परंपराएं थी, वह रिजिड नहीं थी, बहुत सरल थी। जबकि दूसरी तरफ यह भी देखते हैं कि भारत के ही कई समाज ऐसे हैं जिनमें महिलाओं का खास तौर पर वृद्ध महिलाएं जो कि विडो यानी विधवा हो गई है, उनका जीवन नरक बना दिया गया है। यदि आप कहीं बनारस जाएं, मथुरा जाएं, तो आप वहाँ पे बहुत सी असहाय महिलाओं को देख सकते हैं जो कि विधवा हो गई थी और आज अपना जीवन नारकीय जीवन में जी रही हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन में भी इस तरह के कानून से कुछ रोशनी आएगी और उनके जीवन कष्ट जो पूर्ण थे वे अब ऐसा नहीं होंगी, यानी भावी संतानों के लिए एक रास्ता खुलेगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। और गोवा को लेकर भी एक वीडियो अलग से है, आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी जो UCC है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, आपसे विनम्र अनुरोध है। मिलता हूँ जल्दी ही नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।